दोस्तों, आने वाले राखी के यानी कहें तो रक्षाबंधन के त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन या राखी भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज्यादा उलझन की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा, इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार को दर्शाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती हैं, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा, इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रौली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रौली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा करवाएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान मैं नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करने की कोशिश करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त को देर रात 3:44 पर शुरू होगी, वहीं इस तिथि का समापन 19 अगस्त को देर रात 11:55 पर होगा। उदय तिथि गणना अनुसार 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाई जाएगी। हालांकि भद्रा योग के समय में राखी नहीं बांधी जाती, रक्षाबंधन 2024 भद्रा का समय, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर और उसके बाद दोस्तों वो दोपहर 1:32 तक रहेगा।
इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आखिर दोस्तों, हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों, कभी भी शुभ या शुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी हैं। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक होगा इसको अशुभ नहीं माना जाता, ये शुभ होता है। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए दोस्तों, 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7:38 तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे। पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि वो लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक का है, तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देनी चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देनी चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया है, भाई का दर्जा दिया है, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रौली, चंदन का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई समझ कर उनकी कलाई पर बांधते, वो राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुँच जाए। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वो स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय दैवीय शक्तियां ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं, वो भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं।
ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं, इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी भी नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा। बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर पूरी, खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं, मीठा हलवा, मीठी सेवइयां जरूर बनाएं, कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाए या ना बनाए पर मीठी सेवइयां जरूर बनानी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू मटर, पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं, इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं, नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए, खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि, खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए, इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाता है, तो कभी भी जब भी शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाए तो यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है, वो ये बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में आती हैं। वो स्वयं धरती पर पधारती हैं, क्योंकि शुक्रवार माँ संतोषी का वार है, इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मनाना चाहिए। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती। ये उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं, सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपके भाई की रक्षा होगी, वो विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर दोष, काल सर्प दोष, पितर दोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर ये उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी, रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वास्थ्य और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो।